स्टार्ट करके देखेंगे क्या वो साउंड गायब हुई या नहीं, और मैं गारंटी देता हूँ जो काम मैंने करके दिया इतना करेंगे 100% आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं टिक टिक नॉइज़ के ऊपर। इस बार बात करने वाले हैं गन मेटल ग्रे BS4 के ऊपर। तो एक बार आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते हैं कि स्टैम्प पहले दिखा देते हैं कि ये BS4 है, स्विच नहीं है, मात्र बहुत कम चल रही है गाड़ी। तो एक बार स्टार्ट करेंगे और साउंड सुनिए इसका कि आज भी BS4 इंजन आने के बाद भी इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि आखिर ये टिक टिक नॉइस आती कहाँ से है और कैसे इसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बात करेंगे कुछ उन पॉइंट के ऊपर जिसकी वजह से आ जाती है। सबसे पहले जो हमारा इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल अगर बहुत ज़्यादा काला या मतलब बिल्कुल घटिया क्वालिटी का रहेगा तो टिक टिक नॉइस चालू हो जाएगी। दूसरा, जो हमारा ऑयल फिल्टर की जाली होती है ये अगर चोक हो जाती है, इसके अंदर डस्ट या मतलब गंदगी चिपक जाती है और ये फिल्टर बिल्कुल जाली चोक हो जाएगी तब नॉइस चालू हो जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है ये हमारा ऑयल पम्प, इसके अंदर कहीं प्रॉब्लम होती है तब टिक टिक नॉइस आती है, ठीक है। और ये हमारी टाइमिंग गियर, अगर इसके अंदर ऐसे हिला के चाल आती है तब भी टिक टिक नॉइस आ जाएगी। पर अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं, तो और आगे चलते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से कहाँ प्रॉब्लम है।
अब इतना कुछ खोलने के बाद करना क्या होता है? सबसे पहले हमें जितनी इसकी पाइपलाइन होती है जहाँ से ऑयल सप्लाई होता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऑयल पंप हो गया और नीचे की जाली, इसकी क्लीन करना है। इसको क्लीन करना है मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 क्लास से, ठीक है। उसके बाद हमारे हाइड्रोलिक चेक करने हैं, अगर हाइड्रोलिक के अंदर कहीं कचरा लग गया या ये कट चुके हैं तो इसको चेंज कर दीजिए, अगर कचरा है तो साफ़ कर दीजिए। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोलिक हैं ये पुराने वाले ये कट चुके हैं, तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं और वो लगते हैं हाइड्रोलिक हमारे इसके अंदर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब इसको एक बार फिट कर लेते हैं और देखते हैं कि साउंड ख़त्म होती है या नहीं होती है। सबसे पहली बात, क्लीन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करोगे, खाली निकाल दोगे, सामान डाल दोगे, आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। एक दो दिन के लिए हो भी सकती है, फिर आ जाएगी, इसलिए सफाई फर्स्ट। तो अब चलिए फिट कर लेते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद काम हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि जब से ये गाड़ी ली थी उसके कितने टाइम से आवाज़ आना चालू हो गई थी, तीसरे दिन से आवाज़ आना चालू हो गई थी और उसके बाद कभी ठीक ही नहीं हो पाई। अभी हमने कर दिया फिट, एक बार आपके सामने इसको स्टार्ट करके देखेंगे क्या वो साउंड गायब हुई या नहीं। और मैं गारंटी देता हूँ जो काम मैंने करके दिया इतना करेंगे 100% आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आवाज़ बंद हुई या नहीं। मैं आपको नज़दीक से सुनाता हूँ आवाज़, सुनिए गाड़ी की आवाज़ और बताइए मुझे कोई आवाज़ आ रही है या नहीं। कहीं से भी कोई आवाज़,
तो काम एक बार परफेक्ट करके दीजिए, आपका भी देखिए अगर आपके साथ है तो जो काम मैंने किया उतना खोल के पूरा अच्छे से सफाई करिए, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था, अगर आपके साथ जो टिक टिक नॉइस की प्रॉब्लम है उसका सलूशन कहीं नहीं मिलता है तो जो काम मैंने अभी दिखाया है वो करिए, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।